नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथियों, आज हम बजाना सीखेंगे। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, तो आज इसी धुन को बजाना सीखेंगे। तो मेरी फिंगर को फॉलो करके आप इस भजन को बजाना सीखेंगे। तो इसकी भजन की पहली लाइन क्या है? जिस भजन में राम का नाम ना हो। तो देखिए यहाँ से, यही साथियों इसका स्थाई पाठ है। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो देखिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप सीखिए। तो पहले सीखेंगे जिस भजन में, तो तीन बटनों पर है जिस भजन में, जिस भजन में, यानी एक बार ये बटन लेंगे, एक बार ये, फिर एक बार ये, और तीन बार ये, तो ये हो जाएगा जिस भजन में। और राम का, तो राम का ना, राम का मतलब राम, राम का, यानी एक बार ये, फिर से एक बार ये, एक बार ये, और यहां रुक जाएंगे। अब नाम ना हो, तो राम नाम ना हो, एक बार ये बटन लेंगे, फिर दो बार ये, दो बार ये, और फिर यहां रुक जाएंगे। क्या है? उस भजन को गाना ना चाहिए। यह है उस भजन को गाना ना चाहिए। तो एक बार ये बटन लेंगे, दो बार ये बटन लेंगे, फिर एक बार इसको दबाएंगे, फिर एक बार इसको दबाएंगे, फिर इसको दबाएंगे, फिर इसको दबाएंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको एक बार दबा करके, इसको दबा करके, और तीन बार इसको दबा देंगे। तो यह हो जाएगा उस भजन को गाना ना चाहिए। ना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा म्यूजिक बजता है, इसको बजाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहां पे उंगली रखेंगे, एक बार इसको दबा के, एक बार इसको दबा के, यहां उंगली दबा के इसको टच करेंगे ऐसे, देखिए, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, इसको दबाएंगे, यानी पहले पहली बार में इसको दबा के, इसको लेके यहाँ उंगली रख के इसको टच करेंगे, दोबारा में इसको दबा, इसको टच करके इसको, और यहाँ दबा के इसको टच करेंगे। उसके बाद इसको, इस तरीके से आइए, देखिए ठीक है। तो ये इस तरीके से ये पूरी लाइन था। अब एक बार आपको एक फिंगर से मैं इसका जो स्थाई पार्ट है दोबारा से आपको बताता हूँ। देखिए ठीक है, भजन को गाना नाचेंगे। उसके बाद फिर म्यूजिक क्या है, चलिए साथियों ये इसका स्थाई पार्ट है। आज इतना ही धुन आप बजाना सीखिए, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।